नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड में धर्मांतरण के खिलाफ लागू कानूनों पर रोक से इनकार कर दिया है। हालांकि सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि दोनों कानूनों पर बहस जारी रहेगी। यूपी और उत्तराखंड को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब देने को भी कहा है। 4 हफ्ते बाद ही इस मामले में अगली सुनवाई होगी। दोनों सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देना है। संजय, बताएं क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? और मिल रहा है, आज तक मिल रहा है मुझे। संजय, क्या आपको मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? संजय, संजय जानना चाहेंगे, एक बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी उत्तराखंड में लव जिहाद पर सख्ती को लेकर। एक धर्मांतरण कानून पर सुप्रीम कोर्ट का सीधे सीधे रोक से इनकार है। क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट ने मामले में? साफ कहा है कि दोनों राज्यों में, हालांकि हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इसमें नोटिस किया है दोनों राज्यों को और 4 हफ्ते में उनसे जवाब मांगा है। लेकिन याचिकाकर्ता ने जब ये कहा कि वो चाहते हैं कि कोर्ट इसमें स्टे लगाए इन दोनों कानूनों, अध्यादेश और कानून पर, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? प्रदीप यादव जी हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील, वो बताएंगे। प्रदीप जी, कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया आपकी इस मांग पर। देखिए, हमारी मांग स्टे की थी, इस पर कोर्ट ने स्टे नहीं किया। सबसे पहले तो कोर्ट ने जो है म्यूट करके, ऑनरेबल तीनों जजों ने आपस में कुछ डिस्कशन किया है जिसको म्यूट किया था, तो हम लोग नहीं सुने। लेकिन कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हम 4 सप्ताह बाद इसको फाइनली सुनेंगे। 4 राज्यों को जवाब आ जाने दो, या फाइनली नहीं सुने तो राज्यों का जवाब देख करके कोर्ट कुछ उस पर जो भी काम करना होगा करेगा। मेरा सिंपल सा बात था कि कोर्ट स्टे जब तक नहीं करता है, चूंकि आप कानून की वैधता को चेक कर रहे हो, तो स्टे कर दो। अदरवाइज जो इस दौरान जो है जेल भेजे जा रहे हैं, जिनको जेल भेजा जा रहा है पुलिस या राज बना करके, उनके साथ गलत हो जाएगा जब 4 सप्ताह बाद पता लगा कि वो कानून। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा और हाई कोर्ट भी करेगा, इसके लिए कुछ कर रहे हैं? हाँ, मैं पिटिशनर, चूंकि मैं एडवोकेट हूँ, मैं पिटिशनर से इस बात से कंसल्ट करूंगा कि हाई कोर्ट में जो मैटर्स लगे हैं उनको जो है ट्रांसफर एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 139 के तहत एक ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल करके दोनों राज्यों के रिकॉर्ड को, दोनों हाई कोर्ट के रिकॉर्ड को यहाँ कॉल कर लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट खुद ही इसको एग्जामिन करे। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट खुद एग्जामिन कर रही है तो हाई कोर्ट उसके अंडर में काम करती है, तो हाई कोर्ट का एग्जामिनेशन कोई ठीक नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी ये साफ है कि इन दोनों कानूनों, ये उत्तराखंड में कानून है धर्मांतरण का और उत्तर प्रदेश में ये एक अध्यादेश है, तो इस पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है, लेकिन हाँ 4 हफ्ते में उनसे जवाब जरूर मांगा है उन सवालों पर जो याचिका में उठाए गए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में धर्मांतरण के खिलाफ लागू कानूनों पर रोक से इनकार कर दिया है। स्टे की मांग की गई थी, उस स्टे को, उस रोक से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि सबसे बड़ी अदालत ने यह कहा है कि दोनों कानून पर बहस जारी रहेगी। यूपी और उत्तराखंड को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस, दोनों ही राज्यों को नोटिस जारी किया है और इनसे 4 हफ्ते में जवाब देने को भी कहा है। 4 हफ्ते बाद ही इस मामले में अब अगली सुनवाई होगी।